हालेलुया। मान लीजिए कि आप एक कंपनी में नौकरी करते हैं, ओके। कितने लोग यहां नौकरी करते हैं? ओके, आप सब नौकरियां करते हैं। मान लीजिए कि आप एक ऐसी कंपनी में नौकरी करते हैं जिस कंपनी में आपके साथ बहुत अन्याय होता है, आपसे बहुत घंटे काम करवाया जाता है, आपकी तनख्वाह बढ़ा, मतलब ओवर टाइम तो आपको मिलता नहीं, उल्टा आपके पैसे काट लिए जाते हैं। एक दिन ऐसा होता भी बहुत जगह पर, एक छुट्टी मारते हैं तो चार छुट्टियों के पैसे कटते हैं। चार साल से आपको इंक्रीमेंट नहीं मिला, खर्चे बढ़ रहे हैं, सब कुछ महंगा हो रहा है, चार साल से आपकी तनख्वाह बढ़ी नहीं है, और आप वहां पे बहुत अन्याय होता है। जो लोग बॉस की चमचागिरी करते हैं उनको बहुत आगे बढ़ाया जाता है, जो लोग सिद्ध काम करते हैं और ज्यादा किसी की चापलूसी नहीं करते, अपने काम से मतलब रखते हैं लेकिन सबका आदर भी करते हैं, उनके साथ अन्याय होता है। तो आप एक इतनी अच्छी कंपनी में काम नहीं करते हो, पर क्या करें, बच्चों को पालना है तो नौकरी करनी पड़ेगी। अब सोचो कि आप एक और इंटरव्यू देने के लिए गए और आपको एक नई नौकरी मिल गई और वो नौकरी बहुत अच्छी है, वहां पर आपको 7,000 रुपए वेतन ज्यादा मिलेगा, जहां आपको 10 मिलता था अब कितना मिलेगा, 17,000 आपको मिलेगा। वहां पे हफ्ते में 2 दिन आपको छुट्टी भी मिलेगी, सिर्फ आपको 8 घंटे काम करना है, वहां का वातावरण अच्छा है, वहां पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो क्या आप उस जॉब को लेना चाहेंगे, बताइए। ओके, तो फर्ज करो कि आपने उस नौकरी को ले लिया, लेकिन आपकी जो अभी वाली नौकरी है, आपके कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि आपको कम से कम 6 महीने पुरानी वाली कंपनी में बिताने होंगे, नहीं तो आपको वहां से छुट्टी नहीं मिल सकती है, वहां से आपको नहीं छोड़ेंगे। तो 6 नई नौकरी मिल चुकी है, सब लोग मेरे साथ हैं, नई नौकरी मिल चुकी है, लेकिन अभी पुरानी नौकरी में कितनी देर और काम करना पड़ेगा, 6 महीने और काम करना पड़ेगा। आप अपना समय कैसे निकालोगे, अपने आप को आप हिम्मत देंगे कि नहीं देंगे, कोई बात नहीं यार, सिर्फ 6 महीने की बात है, ये दिन भी कट जाएंगे, फिर मैं अच्छी जगह पे नौकरी करूंगा। आप उस नई स्थान पे, नई कंपनी में नई नौकरी का इंतजार करेंगे, क्योंकि वो कंफर्म है, आपको चिट्ठी मिल चुकी है, बस आपको इंतजार करना है। हालेलुया। मान लीजिए आप एक लंबे सफर में है और वो लंबा सफर मतलब 26 घंटे का सफर है, कितने घंटे का, 26 घंटे का सड़क का सफर है, और आप बहुत थक चुके हैं, अभी 20 घंटे बीत गए, कितने घंटे बीत गए, अभी कितने घंटे बाकी हैं, आप अपने आप को किस प्रकार हिम्मत देंगे, क्या आप उस गाड़ी से उतर जाएंगे, बस यार मुझसे और सफर नहीं होता, ऐसे करेंगे आप, बस मैं थक चुका, अब मुझे और सफर नहीं करना, मैं तो गाड़ी रोको ड्राइवर साहब मुझे उतरना है, मैं बोर हो गया, ऐसे करेंगे आप, क्या करेंगे आप, अपने आप को क्या करेंगे, अपने आप को याद दिलाएंगे, अपने आप को हिम्मत बांधेंगे और क्या बोलेंगे, सिर्फ 6 घंटे और बाकी हैं। मसीही जीवन कुछ ऐसा ही है, मसीही जीवन में हमें अपने आप को याद दिलाना है कि ये संसार मेरा घर नहीं है, दिस वर्ल्ड इज नॉट माय होम, ये संसार मेरा हमेशा तक रहने वाला मेरा घर नहीं है, मैं हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए इस दुनिया में नहीं रहूंगा। अपने आप को याद दिलाना कि मेरा जीवन छोटा है, अपने आप को याद दिलाना इस बात के बारे में कि अगर हम सोचते हैं कि हम 90 साल भी जिए तो भी यदि आज हमारी उम्र 30 साल की है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कोई नहीं जानता इस दुनिया में कि आप 32 साल भी पार करेंगे या नहीं करेंगे, मानते हैं इस बात को आप, लंबी उम्र की कामना करना गलत नहीं है, लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन हम में से कोई भी व्यक्ति इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं 90 साल का होके मरूंगा, हम नहीं जानते हम कब चले जाएंगे, हमारा जीवन कभी भी खत्म हो सकता है। जितने लोगों का जीवन खत्म हुआ उनमें से सिर्फ उनको, जिनको कोई जानलेवा बीमारी थी, उनके अलावा किसी को नहीं पता कि मेरा जीवन खत्म होने वाला है या कब खत्म होने वाला है, और जिनको जानलेवा बीमारी होती है उनको भी वो दिन तारीख महीना नहीं पता होता किस दिन हम मरने वाले हैं, सब लोग मानते हैं। लेकिन इस अपने आप को याद दिलाना, इस संसार में मैं सदा के लिए रहने के लिए नहीं आया हूं, ये
ये संसार छोड़ के ये मेरा टेम्पररी मकान है, ये दुनिया सचमुच बहुत लंबे हमेशा के लिए मुझे यहाँ पे रहने को नहीं मिला है, और ना ही ये दुनिया सदा के लिए रहने वाली है, ना ही तो मैं यहाँ पे सदा के लिए हूँ, ना ही ये दुनिया यहाँ पे सदा के लिए है। हम भी अपना जीवन यहाँ से ख़त्म करके अपने आसमानी मकान में पहुँचने वाले हैं, और ये दुनिया भी एक दिन नष्ट होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। अपने आप को इस बात को लेके याद दिलाना। लेकिन हम बहुत बार अपने इस मसीही जीवन में सो जाते हैं। अगर हम सफर में हैं, मान लीजिए आपने आपने कहीं पे जाना था और आपको वहां से ट्रेन बदलनी पड़ेगी, लेकिन आप दिल्ली से लेके आप वो उस स्टेशन तक आप चले गए, लेकिन अब उस स्टेशन से आपको एक नई ट्रेन पकड़नी है, और वो ट्रेन के बारे में पता चला कि वहां पे 6 घंटे का इंतजार है। कितने घंटे का? अभी सर्दियां आ रही हैं, बहुत सी ट्रेन लेट हो जाएंगी, यस और नो? तो मान लीजिए आप दिल्ली से निकले और आपको इलाहाबाद में आपको पहुंचना है, और इलाहाबाद से आपको नई ट्रेन पकड़नी है, पर इलाहाबाद तो पहुंच गए, टाइम से पहुंच गए, शाबाश, लेकिन इलाहाबाद से जो अगली ट्रेन पकड़नी है वो कितने घंटे लेट है? 6 घंटे लेट है। आपके पास आपका बहुत सारा सामान है, कीमती सामान है आपके पास, अगर आप वहां पे अपने सामान को अपने पास में रख के बिल्कुल वहीं पे लंबे प्लेटफॉर्म पे यदि आप लेट गए, सो गए, तो किस बात का खतरा है? किस बात का खतरा है? एक तो आपका सामान चोरी होने का खतरा है, और दूसरा आपकी ट्रेन निकल जाने का खतरा है। मतलब अपने मसीही जीवन में हम अपने आसमानी घर का इंतजार कर रहे हैं, हम अपने प्रभु से रूबरू होने का, हूबहू उनका चेहरा देखने का हम इंतजार कर रहे हैं, अपनी दौड़ को हम पूरा करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम में से बहुत से लोग अगर ऐसे हैं, अगर हम में से कोई भी है जो अपने मसीही जीवन में जो थक हार के बैठ जाएगा, जो उन्नति करना छोड़ देगा, जो अपनी मसीही पुलाहट को हल्के में लेगा, जो अपने मसीही जीवन में सो जाएगा, उसके जीवन में बहुत सा खतरा हो सकता है। इसलिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि अपने मसीही जीवन में हम बस बैठे रहें, कुछ ना करें, सुस्त रहें, सो जाएं, प्रभु से प्यार ना करें, लगन नहीं है हमारे जीवन में प्रभु के लिए। यह ऑप्शन हमारे पास नहीं है, खतरा है। इसलिए बहुत से मसीही लोग हैं जो विश्वास में आने के 4 साल के अंदर अंदर खूब आगे पहुंच जाते हैं। ऐसे विश्वासी हैं जो 40 साल से विश्वास में है, लेकिन प्रभु के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कुछ पता नहीं है, प्रभु के साथ संबंध में आगे ही नहीं बढ़े। इसलिए आपका जीवन छोटा है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम यहां पे है कि आप मसीही हैं, आप यीशु मसीह पे, कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे? हम सब विश्वास करते हैं। प्रॉब्लम यहां पे है कि हम यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग हैं जो इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन ये दुनिया हमारे प्रभु को नहीं पहचानती है। ये प्रॉब्लम है। जिस संसार में हम रहते हैं, इस दुनिया में हम जब रहते हैं, इस दुनिया में केवल वही प्रभु को जान सकता है, जैसे मैंने पिछले हफ्ते बताया था, जिसकी आंखों को परमेश्वर खोल सकता है वही व्यक्ति परमेश्वर को जान सकता है। लेकिन हम रहते, प्रभु ने हमारे लिए एक अलग प्रदेश तो नहीं बनाया, जैसे उत्तर प्रदेश, वैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और केरला, ये अलग अलग प्रदेश हैं। ऐसे प्रभु ने मसीह प्रदेश ऐसा बनाया कुछ? प्रभु ने हम मसीहियों को इस दुनिया में जगह जगह पे खुला छोड़ा हुआ है। हम इस संसार के बीच में रहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो परमेश्वर को ना जानते, ना पहचानते, ना उस परमेश्वर को जानने की उनके अंदर कोई लगन है, कोई कामना है। बाइबल साफ साफ कहती है कोई भी परमेश्वर की खोज करने वाला नहीं है। आप और मैं भी परमेश्वर की खोज करने वाले नहीं थे, हम अपने पापों के अंदर बाइबल बताती है क्या थे? मरे हुए थे। परमेश्वर ने हमको जिंदा किया, परमेश्वर ने हमारी आंखों को खोला, परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया, परमेश्वर ने हमारे श्रापों को मिटा दिया, परमेश्वर ने हमारे शरीर को अपने पवित्र आत्मा का मंदिर बना लिया। परमेश्वर ने हमें चुना है, उसने हमें अलग किया है, लेकिन अलग करने के बाद परमेश्वर ने हमें एक अलग जगह पे जाके सारे मसीहियों को उस कमरे में डाल के बंद नहीं कर दिया। अभी भी हम इस दुनिया में रहते हैं, अभी भी हमारे आस पड़ोस वाले परमेश्वर को नहीं जानते, अभी भी हमारे खानदान के बहुत से लोग प्रभु को नहीं जानते, अभी भी बहुत से लोग हैं जो हमारे विश्वास की तारीफ नहीं करते, बहुत से लोग हैं जो हमें समझते नहीं है हम चर्च क्यों जाते हैं, बहुत से लोग हैं। हमारा जीवन छोटा है, हमारा जीवन सदा का नहीं है,
ना ही ये दुनिया सदा की है, लेकिन विश्वास में आने के बाद हम इस दुनिया में जब रहते हैं, ये दुनिया परमेश्वर को नहीं जानती है, परमेश्वर को नहीं पहचानती है। परमेश्वर की बातों से संसार का कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर की बातों का सत्य को पसंद करने वाले कोई नहीं है। ऐसा क्यों है? तो सामने देखिए, क्योंकि ये दुनिया सच्चे परमेश्वर और उसकी भक्ति के विरोध में है। दिस वर्ल्ड इज अपोज्ड टू गॉड एंड गॉडलीनेस। बाहर से दिखने में लगता है कि दुनिया है, वो भी तो प्रभु का नाम लेती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लेती है, लेकिन सत्य है कोई खुदा को खोजने वाला नहीं है। और बाइबल के अनुसार कुरनेलियस की कहानी से और इब्रानियों के वचन से अब जानते कि जो सच्चे दिल से उसे खोज लेते हैं, परमेश्वर उनकी आंखों को खोल देता है और सुसमाचार उन तक पहुंच जाता है। लेकिन ये दुनिया जिस विचारधारा पे, जिस फिलॉसफी पे, जिस सिस्टम के साथ ये दुनिया चलती है, उस परमेश्वर का राज्य उस सिस्टम के अनुसार नहीं चलता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है। सो एक दुनिया है और ये दुनिया एक विचारधारा के अनुसार चलती है। परमेश्वर की दुनिया दुनिया की विचारधारा से नहीं चलती है, अलग है। परमेश्वर ने यह भी कहा कि तुम लोगों की सोच और मेरी सोच में फर्क है। तुम लोग जिस तरीके से सोचते हो, चीजों को चाहते हो, चीजों को की कामना करते हो, मैं उस तरह नहीं सोचता हूं। सो ये संसार जो है, ये परमेश्वर को नहीं समझता। और बहुत से लोग हैं बाहर की दुनिया में जो होते हैं, वो लोग जो परमेश्वर के विरुद्ध हैं। लेकिन कभी कभी, ध्यान से सुने, कभी कभी कलीसिया के अंदर ऐसे लोग घुस आते हैं जो लोग अपने आप को मसीही कहते हैं, जो लोग अपने आप को मसीही समझते हैं, लेकिन सिर्फ प्रभु जानता है कि वो मसीह में है या नहीं है। यहूदा जब इस पत्री को लिखता है, मेरी बात को ध्यान से सुने, यहूदा जब इस पत्री को लिखता है, वो ये समझाता है लोगों को कि कलीसिया के अंदर, सारे बोलो कहां पे, कलीसिया के अंदर ऐसे लोग पहुंच चुके हैं जो कि अपने आप को मसीही दिखाते हैं, लेकिन वाकई में वो लोग मसीही नहीं है। और ऐसी शिक्षाएं कलीसिया के अंदर लोग आके अपने अपने लेवल पे दे। हमारे चर्च में 3 साल पहले एक भाई ऐसे आए थे, राजस्थान से आए थे, मुझसे मिलने आए ऑफिस में स्पेशल में। मुझे लगा, प्रभु धन्यवाद, तूने बड़ा मैच्योर व्यक्ति हमको दिया है। लेकिन वो व्यक्ति जब वो चर्च में आया, तो उसके दो हफ्ते के बाद हमने देखा कि वो हमारे कलीसिया के लोगों के घर घर में जाके उन्हें कुछ उल्टी शिक्षा देने लगा। उस व्यक्ति के बारे में हमने लोगों को खबरदार कर दिया। इस प्रकार ऐसे बहुत से लोग हैं जो कलीसिया में आए हैं, जिन्होंने प्रभु के साथ उनका कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। अभी हमारे पास समय कम है, लेकिन यहूदा लिखता है कि वो लोग तुम्हारे अंदर आके अब तुम लोगों के अंदर डिवीजन कर रहे हैं, तुम लोगों के अंदर फूट डाल रहे हैं, या तुम्हें ऐसी बातें सिखा रहे हैं जो बातें गलत हैं। वो अपना जीवन शरेआम इमोरली अपना जीवन जी रहे हैं, मतलब नैतिकता उनके जीवन में नहीं है। इस तरह के लोगों के बारे में यहूदा जो है वो लिखता है। बाहर की दुनिया में खुलेआम गलत काम हो रहे हैं, और कभी कभी कलीसिया में कुछ लोग ऐसे घुस आते हैं जिनका परमेश्वर के साथ सीधे सीधे उनकी मुलाकात हुई नहीं है, लेकिन वो हैं कलीसिया में, और वो लोग कलीसिया के अंदर भी गलत बातों का संचार कर रहे हैं, गलत बातों को कलीसिया में फैला रहे हैं। बाहर भी समस्या है, अंदर भी समस्या है। बाहर की दुनिया तो है ही खराब, लेकिन कलीसिया के अंदर भी गलत बातों को करने वाले, सोचने वाले, प्रमोट करने वाले कलीसिया के अंदर भी घुस के आ बैठ चुके हैं। और शैतान हम में से हर एक को पाप के अंदर दोबारा से फंसाना चाहता है। इसीलिए बहुत अच्छा वचन लिखा हुआ है इब्रानियों में, ऐसे पाप को दूर करो जो बहुत जल्दी तुम्हें, the sin that very easily entangles, वो पाप जो बड़े आसानी से तुम्हें दोबारा से अपने जाल में फंसाना चाहता है। आज से 6 महीने पहले, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको एक वचन प्रचार किया था। पुराने नियम के अंदर हमने इस वचन को देखा था, पाप तो दरवाजे पर दुबका बैठा है, देखो वो तुम्हें हड़पना चाहता है, वो तुम्हें पाना चाहता है।
लेकिन तुम्हें पाप के ऊपर राज करना है। कहने का मतलब तुम्हें पाप के ऊपर बलवंत होना है ताकि तुम पाप को अपने जीवन से निकाल सको, ना कि पाप तुम्हें अपना गुलाम दोबारा से बना सके। और ये वो शब्द आप ध्यान से सुने, शब्द है सिन इज क्राउचिंग एट द डोर, पाप दरवाजे पर दुबका बैठा है, मतलब छुप के बैठा है हमारे हमारे अंतरात्मा के दरवाजे पर, हमारे दिल के दरवाजे पर, हमारी सोच के दरवाजे पर, जहां पे हम अपने जीवन के अंदर गुप्त फैसले लेते हैं, वहां पर क्या लिखा है, पाप दुबका बैठा है, छुप के बैठा है। बट यू हैव टू मास्टर ओवर इट, तुमको उसके ऊपर शासन करना है। पाप तुम्हारे ऊपर शासन ना करे, तुम पाप के ऊपर शासन करो। कितने लोगों को समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए मैंने बाहर वालों की बात कर दी और मैंने ऐसे लोगों की बात कर दी जो कलीसिया के अंदर मसीह को नहीं जानते लेकिन मसीह को जानते हैं ऐसा पाखंड करते हैं। लेकिन अब मैं तीसरी बात कर रहा हूं, आपकी खुद की बात, जो ना तो बाहर के हैं ना आप पाखंडी हैं, लेकिन आप सच्चे विश्वासी हैं, लेकिन पाप आप सबके जीवन में घुसना चाहता है। हम हैं, हम बदल सकते हैं। डू यू नो दैट हम बदल सकते हैं? हम लोग अपने, अगर हम लोग सीरियस ना रहे, हम में से बहुत लोग हैं जो पीछे हो सकते हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए। ये वही बात है, आप इलाहाबाद पहुंचे लेकिन फिर वहां पे जाके सो गए, मतलब आपने अपना मसीही जीवन बहुत साल तक तो जिया लेकिन फिर वहां जाके आप ढीले हो गए। मेरे अपने व्यक्तिगत मित्र हैं ऐसे जिन्होंने कुछ साल मसीही जीवन जिया, आज प्रभु में नहीं है। अगर कोई व्यक्ति, कोई शिक्षा, कोई ऐसा थॉट आपके मन में आता है कि आप कलीसिया आना छोड़ दो, तो ध्यान रखो वो शैतान की ओर से है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपके मन में आता है कि मैं सत्संग जाना छोड़ दूंगा, वो साफ स्पष्ट है शैतान की ओर से है। क्योंकि कलीसिया क्या है? परमेश्वर की दुल्हन है। कलीसिया क्या है? परमेश्वर का शरीर है। अगर आपको कलीसिया से अलग होने के लिए कोई प्रेरणा देता है, चाहे कोई व्यक्ति आपसे बोले या आपकी अपनी अंतरात्मा आपसे बोले, शैतान आपके ख्यालों में इस बात को डाल दे, तो जान लेना वो शैतान की तरफ से है। मैं कलीसिया नहीं आऊंगी, मैं अपने घर में। ऐसा नहीं है कि जो लोग कलीसिया छोड़ देते हैं वो परमेश्वर उनको छोड़ देता है। मैंने बोला बहन, जो लोग कलीसिया छोड़ देते हैं परमेश्वर उनको नहीं छोड़ा, लेकिन आप परमेश्वर को छोड़ रहे हैं, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है। कलीसिया परफेक्ट नहीं है, कलीसिया सिद्ध नहीं है, कलीसिया में बहुत सारी कमियां हैं, कलीसिया के लोगों में बहुत सारे पाप हैं, कलीसिया का पास्टर भी आपको बहुत बार शायद दुख पहुंचा चुका है, लेकिन चाहे जो भी है यह परमेश्वर की दुल्हन है। और परमेश्वर अपने वापस आने तक, हालेलुया, जब हम बादलों में उसके साथ मिलेंगे, जब मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, जब जो जिंदा मसीही हैं उनका रूप बदल जाएगा, जब बादलों में हम अपने परमेश्वर के साथ मुलाकात करेंगे, परमेश्वर उस समय तक कलीसिया को बिना दाग और बिना झुर्री के अपने सामने प्रस्तुत करेगा। उसके अंदर कोई भी पाप नहीं होगा। परमेश्वर अपनी कलीसिया को सुंदर बनाना जानता है। जब मैं अपने जीवन में किसी पाप में गिर जाता हूं, जब मुझसे कोई गलती हो जाती है, तो एकदम से शैतान मेरे जीवन में बहुत सारी निराशा को डालता है। लेकिन फिर पवित्र आत्मा मेरे जीवन में मेरे पाप के कारण जो मैंने जो गलत किया है उसके लिए एक जेन्युइन सॉरो, मतलब एक सच्चा दुख मेरी आत्मा में पवित्र आत्मा डालता है। और बाइबल बताती है, मेरे पास समय नहीं है, बहुत सारे बाइबल के वर्स हैं, लेकिन पहला कुरिन्थियों के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं कि पौलुस कहता है कि तुम्हारे अंदर एक सच्चा दुख जो उत्पन्न हुआ, वही दुख तुम्हें बदल देगा। ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कि आपने कभी कोई गलत काम कर दिया हो और बाद में आप लोगों को बहुत अच्छा ना लगा हो? कभी हुआ है ऐसा आपके साथ? आपको दुख हुआ हो कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? वो दुख किसने दिया? वो प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की ओर से हमारे दिल में दुख डाला है, क्योंकि वही दुख हमें बदल देता है। हालेलुया। शायद मैं बहुत सारी बातों को बोल रहा हूं क्योंकि मेरे मन में बहुत कुछ है इस मुद्दे को लेकर। जब यहूदा कलीसिया के अंदर कमियों को बताता है, कलीसिया के अंदर के लोगों की प्रॉब्लम्स को बताता है, और मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि संसार में समस्या है, कलीसिया में समस्या है, कोई तीसरी जगह नहीं है आपके पास जाने के लिए। संसार में प्रॉब्लम है, कलीसिया में प्रॉब्लम है, लेकिन संसार के पास आशा नहीं है, संसार के पास कोई जाने की जगह नहीं है, कलीसिया के पास यीशु मसीह आशा है।
कलीसिया को, कलीसिया के अंदर प्रभु काम कर रहा है, आपके अंदर प्रभु काम कर रहा है। आप अपने आप को बहुत बड़ा पापी समझते हो, चिंता मत करो, प्रभु आपके अंदर काम कर रहा है। अगर प्रभु ने आपको एक बार पकड़ लिया है ना, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, ही इज नॉट गोइंग टू लीव यू। यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थना में कहा, प्रभु तूने जितने लोगों को मुझे दिया मैंने उनमें से किसी को भी खोने नहीं दिया। आपकी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। अगर आप आज गलत रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर सच्ची भावना है बदलने की, समर्पण कर दो परमेश्वर को, परमेश्वर आपको बदलेगा। हालेलुया, परमेश्वर आपको बदलेगा। बस आप अपने मन में सीरियस रहे, मुझे प्रभु तेरे रास्ते पे चलना है, मुझे यीशु मसीह के जैसे बनना है। प्रभु मेरे अंदर ये कमजोरी है, मैं तुझे इस कमजोरी के बारे में तेरे सामने खोलता हूं अपने आप को, तू मेरी सहायता कर। अपने बल में तो मैं हजार बार गिर जाता हूं, लेकिन तेरा वचन है कि तू मुझे उठाएगा। सो संसार में प्रॉब्लम है, कलीसिया में प्रॉब्लम है। संसार परफेक्ट नहीं है, संसार बुराइयों से भरा हुआ है, कलीसिया में दुख देने वाली बातें हो जाती हैं। पिछले 7 साल में कितने, पिछले 8, अब तो 8 साल होने वाले हैं, पिछले 7-8 साल में हमारे सत्संग के अंदर कितनी ऐसी बातें हुई हैं, कितने लोगों ने एक दूसरे को दुख पहुंचाया है, कितने लोगों ने मुझे दुख पहुंचाया है, कितने लोगों को शायद मैंने दुख पहुंचाया है। आपको मालूम है, आप दूसरे चर्च में जाएंगे, दूसरे चर्च में वही समस्या आपका इंतजार कर रही है। इसलिए लोकल चर्च बहुत खूबसूरत चीज है, बट द लोकल चर्च, लोकल चर्च आपका जो ये लोकल चर्च है, यीशु नाम सत्संग, ये सबके अपने अपने लोकल चर्च होते हैं, लेकिन आपका लोकल चर्च खूबसूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे कोई समस्या नहीं है। आपका लोकल चर्च इसलिए खूबसूरत है क्योंकि परमेश्वर लोकल चर्च के लोगों के अंदर अपना काम कर रहा है। हालेलुया। मुझे हिम्मत पता है कहां से मिलती है, क्योंकि जब मैं आप लोगों को देखता हूं, और खास तौर पे वो लोग जो बहुत पुराने हैं, जब आप, मैंने आप लोगों को परमेश्वर में मैच्योर होते हुए देखा है। एक ऐसी बहन जो बहुत साल पहले, जिसके बच्चे उसे चर्च में लेके आए, वो बहन जब पहली बार या दूसरी बार जब चर्च में आई, तो मैं पति पत्नी के रिश्ते के बारे में प्रचार कर रहा था, उनके बीच में वफादारी होनी चाहिए उसके बारे में प्रचार कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब वचन खत्म हुआ तो वो बहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया, और उस बहन ने, और वो पहली या दूसरी बार चर्च आई थी, उस बहन ने मेरा हाथ पकड़ा बाहर, उस मुझे बहुत थोड़ी दूर तक मुझे ले गई, और उसने मुझे कहा कि भैया मैंने आज वचन में ये सीखा है कि पति पत्नी का आपस में रिश्ता जो है वफादारी होनी चाहिए। मेरे जीवन में मैं एक पाप में पड़ी हुई हूं, और मेरा संबंध किसी व्यक्ति के साथ है, और मैं उसको छोड़ नहीं पा रही हूं, क्या आप मेरी मदद करेंगे। हालेलुया। वो बहन थी, आज वो बहन बहुतों को प्रभु में लाने के लिए काम कर रही है। हालेलुया। बहुत साल पहले पाप था, आज वो प्रभु उसको इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर, ये तो बहन एक स्ट्रगल में थी, परमेश्वर तो वेश्याओं को इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन के अंदर जो जो कमियां आप देखते हो, आपके जीवन के अंदर जो पाप आप देखते हो, अगर आप उस पाप को छोड़ना चाहते हो सच्ची गहराई के साथ, उस पाप से यदि आप नफरत करते हो, परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा रखो, परमेश्वर आपको शुद्ध करना चाहता है और करेगा। हालेलुया। क्योंकि आप अपने नहीं है, आप अपने जीवन के मालिक नहीं है, परमेश्वर अपने, आपके जीवन का मालिक है, परमेश्वर आपके अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। तो यहूदा कहता है कि संसार पाप से भरा है, कलीसिया कमजोरियों से भरी है। मेरे पीछे बोल रहे हैं, संसार पाप से भरा है, सब जोर से बोले, संसार पाप से भरा है, कलीसिया कमजोरियों से भरी है। तो यहूदा कहता है कि तुम्हारे पास तो कोई जगह ही नहीं बची, तुम ऐसे करो छोड़ दो मसीही जीवन, ऐसे कहता है। वो कहता है कि देखो, संसार बुरा है, कलीसिया परफेक्ट नहीं है। यहूदा कहता है संसार पाप से भरा है, संसार बुरा है, और कलीसिया परफेक्ट नहीं है। कलीसिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी कलीसिया को होना चाहिए, पर तुम क्या करो। साफ साफ यहूदा इस बात की शिक्षा देता है और कहता है, वो कहता है मैं जानता हूं संसार बुरा है, वो कहता है मैं जानता हूं कलीसिया परफेक्ट नहीं है। सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं?
पर वो कहता है तुम लोग बाहर की चिंता मत करो, कलीसिया में कुड़कुड़ मत करो, तुम लोग उन्नति करते रहो। हालेलुया। बहुत बार बाहर की दुनिया के हालात और कलीसिया की अशुद्धता या कलीसिया की कमजोरियों को हम अपने जीवन में आगे ना बढ़ने के लिए बहाना बना देते हैं। सब लोग मेरे साथ हैं? बहुत बार हमारे बाहर के हालात और कलीसिया की कमजोरी को हम परमेश्वर में आगे ना बढ़ने के लिए बहाना बना देते हैं। मेरे मित्र अच्छे नहीं है, मेरे पड़ोसी अच्छे नहीं है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरी पत्नी अच्छी नहीं है। यह है बाहर के बहाने। कभी कभी चर्च के अंदर चर्च के लोग अच्छे नहीं है, चर्च का पास्टर अच्छा नहीं है, विरोनिका दीदी ऐसी है, सोनू भैया ने मेरा फोन नहीं उठाया, जॉय भैया मुझसे मिलने नहीं आए। बाहर भी बुरा है, अंदर भी कमजोरियां हैं, लेकिन उसमें आपको इस बात को चूज करने की कोई ऑप्शन नहीं है कि आप छोड़ दो फिर मसीही जीवन, कुछ मत करो, घर बैठे रहो, या फिर घर से प्रार्थना करो, चर्च आना छोड़ दो। शायद आप में से कुछ लोग होंगे ऐसे, उस बहन को छोड़ के, एक बहन तो है और मैं उस बहन के लिए लगातार प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन शायद और भी लोग हैं यहां पे जो इस तरह की सोच रखते हैं कि प्रभु में है ना हम, कलीसिया नहीं आएंगे हम। परमेश्वर अपनी कलीसिया को प्यार करता है तो वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है, और तुम इस चीज को मिसअंडरस्टैंड भी मत कर लेना कि प्रभु शायद बस, प्रभु तू आ जा, ये कलीसिया भी प्रभु ठीक नहीं है, प्रभु तू आ जा, प्रभु कलीसिया भी उत्तम नहीं है, और आप कलीसिया से अपने आप को तोड़ लें। बाहर का संसार बुरा है, कलीसिया कमजोरियों से भरी हुई है, लेकिन बाइबल और ये संदर्भ भी बिल्कुल वही है। मैं इसको बना के पेश नहीं कर रहा हूं, ये यहूदा की पत्री की पूरी कहानी यही है, यहूदा इसी बात को समझा रहा है। पर वो क्या कहता है, आप 20 वचन पढ़िए, 20 वचन पढ़िए। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में गटकर पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। एक काम करते हैं, जो वो प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को वो 3 से लेके 16 तक एक्सप्लेन करता है, लेकिन उसको हम नहीं पढ़ेंगे, हम केवल 17, 18 और 19 पढ़ेंगे। प्रॉब्लम क्या है, सारे बोलो, कलीसिया में क्या प्रॉब्लम है, सारे बोलो। ओके, सत्संग के अंदर, सत्संग के लोगों के अंदर क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में पढ़े, पढ़ो। पर हे प्रियो, हाँ, तुम उन बातों को अवश्य स्मरण रखो, हाँ, जिन्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले से ही कह चुके हैं। मतलब परमेश्वर के दासों ने पहले से ऐसा कह दिया था, क्या कह दिया था, वे तुमसे कहा करते थे, अंत के दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले लोग होंगे जो अपनी अभक्तिपूर्ण बुरी अभिलाषाओं के चलाए चलेंगे। बाइबल में पहले से भविष्यवाणी हो रखी है, क्या भविष्यवाणी हो रखी है, अंत के दिनों में यीशु के आने से पहले ऐसा होगा, क्या होगा, बाहर भी अंदर भी ऐसे ठट्ठा करने वाले पाखंडी लोग होंगे, बाहर परमेश्वर का खुलेआम मजाक उड़ाने वाले और कलीसिया के अंदर पाखंड करने वाले लोग होंगे। हालेलुया। हाँ, फिर ये वे हैं जो फूट डालते हैं, वो तुम लोगों के अंदर क्या डालते हैं, फूट डालते हैं, दे डिवाइड यू। ये संसारिक एवं आत्मा रहित हैं, संसारिक बातों की के पीछे भागते हैं, इनके अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं करता। मतलब पौलुस साफ साफ, यहूदा साफ साफ कह रहा है प्रॉब्लम्स हैं, पर वो बाद में क्या कहता है, तुरंत बाद देखो 20 में वो क्या कहता है कि तुम क्या करो। पर हे प्रियो, हाँ? तुम अपने अति पवित्र विश्वास में गटकर, हाँ? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। बस हाँ, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ। हालेलुया। प्रॉब्लम है बाहर बुराई, अंदर उतनी सफाई नहीं है जितनी होनी चाहिए, संसार बुरा और कलीसिया उतनी अच्छी नहीं, तुम क्या करो, अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ। मेरे बोल पीछे बोलो, अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ। आप लोग सोचें, इस समय सोचें, आपके बाहर का वातावरण आपकी पवित्रता के लिए सही नहीं है, आपके मोहल्ला, आपकी जहां पे आप रहते हो, बाहर का वातावरण ठीक नहीं है, अंदर का वातावरण ठीक नहीं है,
लेकिन बाइबल बताती है कि तुम अपने विश्वास में उन्नति करते रहो। क्या आप उन्नति कर रहे हैं? क्या आप अपने विश्वास की हिफाजत कर रहे हैं? अगर हम यहूदा का तीसरा वचन पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि मैं तुम लोगों को उद्धार के बारे में समझाना चाहता था, लेकिन मेरा मन हुआ कि मैं तुम लोगों को यह सिखाऊं कि तुम्हें विश्वास के लिए लड़ाई लड़नी है। ऐसा ही लिखा है तीन के अंदर। इसमें लिखा है, हे प्रियो, जब मैं उद्धार के विषय तुम्हें लिखने का हर संभव प्रयास प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने यह लिखना और अनुरोध करना आवश्यक समझा कि तुम उस विश्वास के लिए यत्न पूर्वक संघर्ष करते तुम रहो। उस विश्वास के लिए यत्न पूर्वक संघर्ष करो। देखो, जो विश्वास प्रभु ने हमें दिया है ना, हम प्रभु में है। कितने लोग प्रभु में है? प्रभु में जो हमारा विश्वास है, बाइबल कहती है तुम्हें उस विश्वास के लिए लड़ना है, मतलब तुम्हें उस विश्वास के लिए खड़े होना है, तुम्हें उस विश्वास में बने रहना है। आप मुझे एक बात बताइए, आप उस चीज के लिए लड़ाई कैसे करेंगे जिस चीज को आप प्यार नहीं करते? क्या आप उस चीज के लिए लड़ाई करोगे जिस चीज को आप प्यार नहीं करते? अगर आपका जो विश्वास है, आपकी जो मसीही बुलाहट है, अगर आप उसको अपने दिल में एक प्रेशियस नहीं समझते हो, उसे कीमती नहीं समझते हो, मैं एक मसीही हूं, मैं यीशु मसीह का अनुसरण करने वाला हूं, इफ यू डोंट वैल्यू इट, हाउ विल यू फाइट फॉर इट? आपकी जो बुलाहट है वो विश्वास के लिए लड़ाई करने की बुलाहट है। आप नहीं लड़ पाएंगे अगर आप अपने विश्वास की वैल्यू नहीं करते। सामने देखिए, पौलुस रोमियो की पत्री में लिखता है, कहता है, सबसे पहले मैं यीशु मसीह के द्वारा तुम सब के लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा संसार भर में हो रही है। रोमियो के जो रोम में रहने वाले लोग हैं, उनका विश्वास इतना मजबूत था, पूरी दुनिया उनके विश्वास के बारे में चर्चा कर रही थी। सो आपको उन्नति करनी है। क्या है? आपको उन्नति करनी है। उन्नति करने का मतलब अपने विश्वास की रक्षा करो, अपने विश्वास की इज्जत करो, अपने विश्वास की कीमत को समझो। अगर आप मसीही हो, छोटी मोटी बात नहीं है, इस बात की अहमियत को समझो, आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए लोग हैं। दूसरा, आप विश्वास के लिए आपको लड़ाई करनी है। तीसरा, आपको आपके विश्वास की चर्चा होनी चाहिए। मेरी तरफ देखें सारे लोग, आपके बारे में क्या बातें करते हैं? इस वचन के अनुसार अगर लोग आपके बारे में बात करें, तो आपके किस चीज के बारे में बात करनी चाहिए लोगों को? विश्वास के बारे में। रोम के लोगों के विश्वास के बारे में कौन चर्चा कर रहा है? बोलो, कौन चर्चा कर रहा है? पूरी दुनिया चर्चा कर, लिखा हुआ है ना कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा संसार में सब कहीं हो रही है। आपके बारे में लोग क्या कहते हैं? क्या आपका विश्वास ऐसा है कि लोग आपके विश्वास की चर्चा करें कि देखो गायत्री एंटी का विश्वास कितना है, हमें भी अपने विश्वास में बढ़ना चाहिए? लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं? देखो दीदी मंजूषा का विश्वास देखो, इस तरह बात करते हैं लोग आपके बारे में? या लोग आपके बारे में यही बोलते हैं कि इस बंदे को ना विश्वास में 10 साल हो गए, लेकिन छोटी सी बात के लिए कैसे रो रहा है ये आदमी? एक बहन थी जिसकी 2 लड़कियां थी, और उनमें से एक लड़की का जब कॉलेज जाने का समय आया तो पूरे परिवार में हड़कंप मच गया, क्योंकि दिल्ली के अंदर कॉलेजों का दाखिला लेना बहुत मुश्किल है, अच्छे अच्छे कॉलेजों में दाखिला लेना बहुत मुश्किल है। ये लोग पूरा परिवार मसीह में है, बहुत सालों से मसीह में है, 12वीं का रिजल्ट आ गया, चर्च वालों की चिट्ठी मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन परिवार में अशांति है, क्योंकि सब बड़ा डर रहे हैं, पता नहीं एडमिशन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं उस कॉलेज में दाखिला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उस परिवार, उन लड़कियों की जो मां थी, उसने पता क्या बोला? हम यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले हैं, क्यों डर रहे हो? हालेलुया, ये विश्वास की बात है। ऐसी बातें विश्वास के लोग कर सकते हैं। हम सबके पास विश्वास है, लेकिन पवित्र आत्मा कई लोगों को विश्वास का स्पेशल वरदान भी देता है, जो कठिन हालातों में एक ऐसी बात को बोलते हैं जो उन लोगों को हिम्मत देती है जिनका विश्वास डगमगा रहा है। क्या आपका विश्वास ऐसा है दूसरों को हिम्मत देने वाला? क्योंकि पौलुस 4 पद आगे क्या कहता है, एक दूसरे के विश्वास से हम परस्पर प्रोत्साहित हों। क्या आपके विश्वास से दूसरों को हौसला मिलता है?
क्या आपके विश्वास से दूसरों को हिम्मत मिलती है? क्या आप अपने विश्वास और अपनी बातों से उन लोगों को आप हिम्मत देने वाले हो जो अपने विश्वास में डगमगा रहे हैं? या फिर 8 साल हो गए पास्टर को आप ही के पीछे लगना पड़ रहा है, विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो, अभी आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। आप दूसरों के लिए प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति कैसे बनेंगे? दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्रोइंग। ग्रो करने का मतलब यह है दैट यू वैल्यू योर फेथ, अपने विश्वास की कदर करें। यू वैल्यू योर कॉलिंग, आप अपनी बुलाहट की कदर करें। ओनली देन यू विल बी एबल टू फाइट फॉर योर फेथ, तभी आप अपने विश्वास के लिए लड़ाई कर सकते हैं, तभी आपके विश्वास की चर्चा होनी चाहिए। लोग आपके बारे में कोई चुगली भी करें तो आपके विश्वास की चुगली करें, और आप अपने विश्वास के द्वारा दूसरों के लिए हिम्मत बन जाएं, दूसरों की हिम्मत बढ़ाने वाले हो जाएं, केवल अपने खोखले शब्दों से नहीं, अपने दिल के गहरे विश्वास के द्वारा। क्योंकि जब आपके दिल की गहराई में विश्वास है तब आपके शब्दों में ताकत होगी। हालेलुया। आप बढ़ रहे हो अपने विश्वास में? संसार बुरा है, कलीसिया परफेक्ट नहीं है, बट आर यू ग्रोइंग इन योर फेथ? क्या आप अपने विश्वास में बढ़ रहे हो? एक आदमी था और उसके बेटे को दुष्ट आत्मा पकड़ ली। सच्ची कहानी बता रहा हूं बाइबल की। वो यीशु मसीह के चेलों के पास गया, यीशु मसीह के चेले उसकी दुष्ट आत्मा को नहीं भगा सके। जब यीशु वहां पे आ गए तो यीशु और उस बेटे के लड़के के बाप का आमना सामना हुआ। उस समय यीशु मसीह कहता कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कहां गया तुम्हारा विश्वास? पता है वो आदमी क्या कहता है? सामने देखें, वो कहता है, तुरंत बच्चे का पिता चिल्लाया और बोला, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास को हटा। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वासी हूं, लेकिन मेरे अविश्वास में मेरी मदद कर। यह कंफ्यूज करने वाली बात है। आई बिलीव, हेल्प मी इन माई अनबिलीव। बॉस, डू यू बिलीव और नॉट बिलीव? दोनों कैसे हो सकते हैं? मैं विश्वास करता भी हूं और नहीं भी करता, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन सुनिए ध्यान से, ऐसा हो सकता है, हम में से कुछ लोगों के जीवन में ऐसा हो सकता है कि हम कहने को विश्वासी हैं और हम विश्वास करते भी हैं, लेकिन अपने विश्वास में हम उन्नति नहीं कर रहे हैं। जब पौलुस थेसलोनिका की कलीसिया को पत्री लिख के कहता है कि तुम लोगों के विश्वास की चर्चा हो रही है, मैं तुम्हारे विश्वास के लिए बहुत खुश हूं, तुम पूरे प्रदेश के लिए तुम उदाहरण बन चुके हो, मॉडल बन चुके हो, पहले अध्याय में वो उनकी तारीफ करता है, लेकिन तीसरे अध्याय में क्या कहता है? मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं, क्योंकि मैं अभी वो विश्वास की तारीफ कर रहा है, राइट? लेकिन कुछ ही कागजों लिखने के बाद वो ये कहता है तीसरे अध्याय में, मैं तुम लोगों के पास आना चाहता हूं क्योंकि तुम्हारे विश्वास में जिस चीज की कमी है उसको भरना चाहता हूं। कहने का मतलब, आप हो विश्वासी, आप हो मसीही, लेकिन हर समय हरेक मसीही को अपने विश्वास में आगे बढ़ने की जिम्मेदारी है। हर समय आपके विश्वास में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कम हैं जो लगातार संगति करने के द्वारा, चर्च आने के द्वारा, आपके मेंटर के साथ बात करने के द्वारा, वचन सुनने के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा, वो कमियां जो आपके विश्वास में हैं वो आपको पूरी करनी है। 4 साल पहले जितना विश्वास आप प्रभु पे करते थे, शाबाश, लेकिन क्या आज उससे ज्यादा विश्वास करते हो? या उल्टा, तुम 4 साल पहले जितना विश्वास करते थे आज तुम उससे भी कम विश्वास करते हो? कुछ लोग हैं ऐसे, अफसोस की बात है। बाइबल हमसे डिमांड करती है, कीप ग्रोइंग, उन्नति करो, विश्वास में आगे बढ़ो, विश्वास की रक्षा करो, विश्वास के लिए लड़ाई करो, विश्वास से एक दूसरे का हौसला बढ़ाओ। तुम्हारे विश्वास की चर्चा होनी चाहिए। लोग तुम्हारी बात करें तो तुम्हारे विश्वास की बात करें, लोग तुम्हारे बारे में किसी बात की तारीफ करें तो तुम्हारे शकल हुलिये की तारीफ नहीं, तुम्हारे विश्वास की तारीफ करें। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मैं आप लोगों से आज यही पूछ रहा हूं, क्या आप ग्रो कर रहे हैं? क्या आप उन्नति कर रहे हैं? क्या आप अपने विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं? बहाना मत बनाओ, संसार बुरा है, कलीसिया अच्छी नहीं है, इस चीज का बहाना ना बनाएं, क्योंकि यहूदा को पता है ये प्रॉब्लम है, बट वो जिम्मेदारी हमें देता है। सुनो, आपकी आत्मा की जिम्मेदारी
आपके आत्मिक उन्नति की जिम्मेदारी आपके पास खुद है। पहले नहीं था, मरे हुए थे, अभी है। अभी आप जिंदा हो प्रभु में, अभी आप पापों में मरे हुए नहीं हो, अभी आप प्रभु का मंदिर हो, अभी आप आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब आपके पास बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें अपने विश्वास के जीवन के प्रति गंभीर होना है, सीरियस होना है और उन्नति करनी है हालातों के बावजूद। सारे बोलो, मुझे उन्नति करनी है। सारे बोले जोर से, मुझे उन्नति करनी है अपने हालातों के बावजूद। दूसरी बात जो वो समझाता है, वो कहता है कि तुम प्रार्थना करते रहो। 20 वचन में क्या कहता है, पढ़ो। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में गटकर पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। तुम अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। साधारण सा लेकिन बहुत ही गंभीर हम सब के लिए रिमाइंडर है, हम सब के लिए एक चेक करने वाली बात है। क्या आप लगातार परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जाके मुलाकात करते हैं? क्या आप परमेश्वर के सामने जाके प्रार्थना के जरिए उसके सिंहासन के सामने पहुंचते हैं? या आप अभी भी महीने में एक बार जब हम आगे बुलाते हैं लोगों को, बस तभी आप दूसरों से प्रार्थना करवाते हो, करते नहीं हो? आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ना, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। आज बाहर से पास्टर आया है, आज वो बहन हमारे चर्च में आई है, तो लोगों से प्रार्थना करवाने का एक एक जुनून है हम लोगों के अंदर। क्या खुद प्रार्थना करते हैं? लोगों की प्रार्थना जो हमारे लिए होती है, उसके साथ हमें भी स्वयं प्रार्थना करनी है। पवित्र आत्मा में होके प्रार्थना करते रहो। ऐसा होता है कभी आपके साथ कि आप प्रार्थना करना चाहते हो और आपसे प्रार्थना होती नहीं है? कभी हुआ है ऐसा? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? आप प्रार्थना करना चाहते हो लेकिन प्रार्थना नहीं हो पा रही है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? मेरे साथ भी होता है। क्यों नहीं, हम क्यों प्रार्थना नहीं कर पाते हैं? पत्रस इस बात को, मैंने इस बात को 3 साल पहले सीखा। मैं ऊपर के कमरे में प्रार्थना कर रहा था और जैसे ही मैं प्रार्थना करने लगा, ये वचन मेरे मन में आया। मैंने जाके बाइबल को खोला, जो वचन मैं आपको सामने दिखाने वाला हूं, 1 पत्रस 4:7। जब इस वचन को मैंने खोला तो उसी वक्त तुरंत प्रभु की दया से इस वचन के अर्थ को मैं समझ गया। मुझे लगता है कि मुझे पवित्र आत्मा ने समझाया उस दिन। 3 साल हो गए, ये बाइबल का वचन मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि हम क्या करते हैं, लिखा हुआ है वो समय निकट है जब सब कुछ का अंत हो जाएगा, इसलिए समझदार बनो और अपने पर काबू रखो ताकि तुम्हें प्रार्थना करने में सहायता मिले। तो हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना करना चाहते हैं। कितने लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, हाथ उठाइए। ओके, हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हम प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमसे प्रार्थना होती नहीं, क्योंकि जो 3 चीजें यहां पर लिखी हैं वो हम करते नहीं हैं। क्या लिखा है, तुम्हें प्रार्थना करने में सहायता मिले। मतलब हमें कुछ करना है पहले ताकि हम प्रार्थना करने में प्रभु हमारी मदद करे। क्या करनी है, पहली चीज, वो समय निकट है जब सब कुछ खत्म होने वाला है। अगर मान लो प्रभु आप सबको बोले कि 5 बजे सुबह आज पवित्र आत्मा हमें दर्शन दे, वैसे ऐसा कभी नहीं होगा और ऐसी किसी की बात पे विश्वास नहीं करना जो किताबें लिखते हैं इस विषय पर, प्रभु इस दिन इस तारीख को आएगा। आज तक ऐसे अनगिनत लोगों ने कोशिश की, प्रभु इस दिन इस तारीख को आएगा, प्रभु उस तारीख में नहीं आया, क्योंकि प्रभु ने कहा ये जानना तुम्हारे लिए नहीं है कि मैं कब आऊंगा। तुम क्या करो, तुम केवल तैयारी करके मेरा इंतजार करते रहो। लेकिन मान लीजिए पवित्र आत्मा हमें दर्शन दे और कहे कि कल सुबह 5 बजे प्रभु इस दुनिया में वापस आने वाला है, आप में से कितने लोग हैं जो आज की रात सोना पसंद करेंगे? कोई है? हमें मालूम है प्रभु 5 बजे आने वाला है, क्या हम सोएंगे? हम सब शायद खाना भी नहीं खाएंगे, हम यहीं पे सुबह 5 बजे तक यहां बैठ के प्रभु का इंतजार करेंगे। वही एग्जैक्टली हमें करना है। वो समय निकट है जब सब कुछ का अंत हो जाएगा। अपने आप को अंत याद दिलाना कि जॉय तू सदा के लिए यहां पे नहीं जिंदा रहेगा। जॉय सब कुछ खत्म होने वाला है। तेरी सांसारिक योजना चाहे परमेश्वर की महिमा के लिए भी क्यों ना हो, लेकिन जो धरती की चीजें हैं वो धरती पे ही रह जाएंगी।
अपने आप को याद दिलाना कि सब चीजें खत्म होने वाली हैं। जब हम लगातार अपने आप को याद दिलाएंगे कि मेरा जीवन खत्म होने वाला है, ये दुनिया खत्म होने वाली है, प्रार्थना करने की पहली प्रेरणा हमें मिल जाएगी। ठीक उसी प्रकार जैसे हम सबको प्रेरणा मिलेगी अगर हमें मालूम है प्रभु कल सुबह 5 बजे आएगा तो हम क्या करेंगे, क्या हम खाना टेस्ट भी करना चाहेंगे? मैं तो नहीं करना चाहूंगा, जिन्होंने बनाया धन्यवाद, लेकिन मुझे खाना नहीं खाना, मेरा प्रभु आने वाला है, मुझे अपने आप को तैयार करना है। उसी प्रकार हमें अपने आप को याद दिलाना है, गॉड इज गोइंग टू कम बैक, जीसस इज गोइंग टू कम बैक, वापस आएगा मेरा यीशु, और इसलिए प्रार्थना में प्रभु के पास जाने की हम कामना करते रहेंगे और हम प्रार्थना कर पाएंगे। दूसरी बात, समझदार बनो। इंग्लिश का वर्स बड़ा अच्छा है, बी ऑफ सोबर माइंड, तुम्हारे मन में कूड़ा करकट की बातें ना हो, तुम्हारे मन में समझदारी वाली बातें हो। बहुत बार हम प्रार्थना नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मन बहुत सारे फिल्थी चीजों से भरा हुआ है, गंदगी की बातों से हमारा मन भरा हुआ है। समझ के लिए कहां स्थान है हमारे मन में? स्थान नहीं है। क्यों? संसारिक बातों से, बुरी बातों से, स्वार्थ की बातों से, पाप की बातों से, लालच की बातों से, नफरत की बातों से हमारा मन भरा हुआ है। प्रार्थना कहां से कर पाएंगे? जो तेरे दिल में भरा है तेरी जुबान पे आता है, लिखा वचन में, जो तेरे दिल में भरा है वही तेरी जुबान पे आता है। तो दिल में तो सब कुछ संसारिक कूड़ा करकट, पाप, लालच, नफरत, चोरी, सब कुछ ये भरा हुआ है। तो जब प्रार्थना करोगे, प्रार्थना के लायक चीजें कहां से निकलेंगी? इसलिए समझदार बनो। क्या आप अपने मन के लिए प्रार्थना करते हो? क्या आप अपने मन को नया कर रहे हो? बाइबल बताती है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। मन का, हमारा मन नया कैसा होगा? ये मन काट के नया मन लगेगा। क्या मतलब मन का नया हो जाना? मन का नया हो जाना मतलब मन में परमेश्वर के वचन को भरते जाना। इसलिए हमें वचन चाहिए, प्रार्थना करने से पहले भी हमें बाइबल पढ़नी चाहिए। क्या हमारे पास अपनी पर्सनल बाइबल है, व्यक्तिगत बाइबल है जिसको हम दिल से लगा के रखते हैं, जो ये मेरी बाइबल है, और उस बाइबल को हम पढ़ते हैं, लगातार हम पढ़ते हैं उस बाइबल को? और यदि हम अनपढ़ हैं तो क्या हम वचनों को सुनते हैं? क्योंकि वचन हमारे मन को नया करता है। क्या चीज नया करता है? परमेश्वर का वचन हमारे मन को नया करता है। अभी आप सब लोगों ने, तकरीबन सब लोगों ने हाथ उठाया था कि आप प्रार्थना करना चाहते हो, आप प्रार्थना नहीं कर पाते। ये चीजें जरूरी हैं जानना। पहली बात, सब कुछ खत्म होने वाला है, सब बातों का अंत निकट है। दूसरी बात, समझदार बनो, मतलब अपने मन को सही रखो, सही बातों को अपने मन में डालो, सही लोगों के साथ बातचीत करो ताकि सही बातें तुम्हारे मन में जाएं, लगातार बाइबल पढ़ो ताकि प्रभु का वचन तुम्हारे अंदर जाए, तब समझदार बनेंगे। संसारिक किताबें पढ़ के भी हम समझदार नहीं बन सकते। और तीसरी बात, अपने आप पर काबू रखो। हमें काबू किस बात पे चाहिए? क्या हमें अच्छी बात के लिए काबू चाहिए? बोलिए, क्या हमें अच्छी बात के लिए काबू चाहिए? काबू किस बात के लिए चाहिए होता है? बुरी बातों के लिए। मतलब हमारी जीवन शैली, मेरा लाइफस्टाइल, मेरा जीवन जीने का तरीका तो पाप में भरा हुआ है, मैं परवाह नहीं करता कि मैं अपना जीवन कैसे जी रहा हूं, तो फिर भाई तुझसे प्रार्थना कैसे होगी? अगर आप सच्चे मन से, यदि आप पाप के साथ युद्ध कर रहे हो और अपने ऊपर काबू पा रहे हो, अपने जीवन में पाप को नष्ट कर रहे हो, आप प्रार्थना करेंगे, आपके मन से प्रार्थना निकलेगी। क्योंकि आप प्रभु की मदद के बिना कुछ नहीं कर सकते हो। तो आप क्या करोगे? पाप करने का मन कर रहा है, गलत काम करूं, लेकिन अपनी शक्ति से क्या करेंगे? पाप को कर देंगे। प्रभु की शक्ति से क्या करेंगे? पाप से दूर भागेंगे। लेकिन प्रभु की शक्ति कैसे मिलेगी? प्रार्थना के द्वारा मिलेगी। इस तरफ पाप है, इस तरफ प्रभु है। अगर आप पाप की तरफ नहीं जाना चाहते, अगर आप अपने ऊपर काबू पाना चाहते हो, तो ऑटोमेटिक आप क्या करोगे? किस तरफ जाओगे? प्रभु इधर है कि उधर है? तो आप क्या करेंगे? प्रभु की तरफ जाएंगे। किसके माध्यम से? प्रार्थना के माध्यम से। तो जब आप प्रार्थना कर रहे हो,
पाप से दूर भागने के लिए प्रभु की मदद मांग रहे हो तो आप केवल प्रार्थना ही नहीं कर रहे हो, आप प्रभु की तरफ जा रहे हो। हालेलुया। जब आप प्रभु की तरफ जा रहे हैं मतलब आप किस चीज से दूर जा रहे हैं? पाप से दूर जा रहे हैं। इसलिए हम प्रार्थना नहीं कर पाते। हम सोचते हैं प्रार्थना सिर्फ एक 5 मिनट में करने वाला मेरा स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी आत्मिक जिम्मेदारी है, चलो पूरा कर देता हूं। क्योंकि हम प्रार्थना को अपने बाकी के जीवन के साथ जोड़ के नहीं देखते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारा प्रार्थना का जीवन और हमारा बाकी सब कुछ का जीवन, सब कुछ परमेश्वर के लिए एक ही है। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए हमें अपने आप को याद दिलाना है सब कुछ का अंत होने वाला है। हमें अपने मन में समझदार बनना है, अपने मन को वचनों के द्वारा नया करना है। तीसरा, हमें पाप के साथ युद्ध करना है, हमें अपने ऊपर काबू रखना है, फिर हम प्रार्थना कर पाएंगे। मतलब पाप से भरा हुआ जीवन और प्रार्थना कभी भी एक साथ नहीं जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं? पाप से भरा हुआ जीवन, पाप वाला जीवन शैली, पाप वाला लाइफस्टाइल और प्रार्थना, दोनों का कोई भी संबंध नहीं है। प्रार्थना का सीधा सीधा संबंध आपके लाइफस्टाइल से है। प्रार्थना का सीधा सीधा संबंध इस बात से है कि आपके मन में क्या भरा है। प्रार्थना इस बात से जुड़ी हुई है कि आप अपने आप को इस बात के बारे में याद दिलाते हैं कि नहीं दिलाते हैं कि भाई तू यहां पे सदा के लिए नहीं है। इसलिए पो कहता है कि तुम क्या करते रहो, कीप ग्रोइंग, उन्नति करते रहो, और क्या कहता है, कीप प्रेइंग, प्रार्थना करते रहो। तीसरी बात वो कहता है, प्यार करते रहो। मैं आप सब लोगों से विनती करता हूं, मैं फिनिश करने वाला हूं 5 मिनट में। आई रिक्वेस्ट यू इस समय सब ध्यान से सुने कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहते हैं। 20 वचन के अंदर हमने सीखा कि वो हमें ये बताता है कि तुम विश्वास में उन्नति करते रहो, वो सिखाता है कि तुम आत्मा में प्रार्थना करते रहो, लेकिन 22 वचन में सिखाता है कि तुम प्यार करते रहो। किस प्रकार का प्यार हम देखते हैं 22 वचन में हमें यहूदा करने के लिए सिखाता है? कौन सी बात है वो पढ़ें भैया। जो संदेह करते हैं उन पर दया करो। जो डाउट करते हैं, जिनका विश्वास उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए, उनके साथ हमें क्या करना है? उनको दया दिखानी है। सब लोग मेरी तरफ देखें, मैं समझाता हूं। ऐसे लोग हमारे चर्च में जिनका विश्वास उस लेवल का नहीं है जितने लेवल का उनका विश्वास होना चाहिए, जो शक करते हैं, हमें उनसे दूर नहीं भागना, हमें उनसे नफरत नहीं करनी, हमें उनके बारे में कंप्लेन नहीं करना कि यार 8 साल हो गए इसको समझाते हुए, इसे समझ नहीं आता। बी मर्सीफुल, उनके ऊपर दया दिखाओ और उसकी मदद करो वो भी विश्वास में आगे बढ़ने पाए। सच्चा प्यार क्या है? सच्चा प्यार क्या है? क्या लिखा है? प्यार करते रहो, राइट? लेकिन क्या है सच्चा प्यार? दूसरों को प्रभु के रास्ते में आगे बढ़ाना ही सच्चा प्यार है। माता पिता, अगर आप अपने बच्चे को प्यार करते हो, आप सबसे ज्यादा प्यार किस प्रकार दिखाओगे? अच्छा खाना खिला के, अच्छी एडमिशन दिला के, अच्छे स्कूल में बढ़िया कपड़े अपड़े दिलाओगे उनको, बीमारी में उनका ध्यान रखोगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो प्रभु को नहीं जानते वो भी ऐसा करते हैं। तुम में उनमें क्या फर्क है? तुम में उनमें यह फर्क है कि वो माता पिता ना तो स्वयं प्रभु को जानते हैं, ना अपने बच्चों को प्रभु का रास्ता दिखाते। तुम्हारे अंदर क्या चीज का फर्क है कि तुम प्रभु को जानते हो और तुम तुम्हारे बच्चों को भी प्रभु का रास्ता दिखाते हो। सबसे बड़ा प्यार किसी के लिए यही है, उसको प्रभु का रास्ता दिखाना। सबसे बड़ा प्यार यही है कलीसिया में जो कमजोर है, जो वीक है, जो अब सुधर नहीं रहा, जो आगे नहीं बढ़ रहा, उसके लिए लगातार दुआ करते रहना, लगातार प्रार्थना करते रहना और उसके ऊपर उसको दया दिखाना और उसको भी आगे बढ़ाना। हालेलुया। आप लोग सोचिए, क्या आप लोग ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हो चर्च में? हमेशा हम पास्टर के साथ, लीडरशिप टीम वाले लोगों के साथ, एल्डर्स के साथ, सोनू भैया के साथ, वेरोनिका के साथ, इनके साथ तो हम दोस्ती रखना चाहते हैं। क्या चर्च के अंदर आप उन लोगों के साथ दोस्ती रखते हो जो नए हैं विश्वास में? क्या उनको अपने घरों में बुलाते हो? क्या उनके साथ आप चर्च खत्म होने के बाद बात करते हो जो नए हैं, जो कमजोर हैं, जो दुखी हैं?
ये है सच्चा प्यार. आगे देखिए सच्चा प्यार क्या है. सेव अदर्स बाय स्नैचिंग देम फ्रॉम द फायर. कलीसिया में ऐसे लोग हैं या बाहर भी जो ऐसे लोग हैं जो पापों के अंदर मर रहे हैं, अपने जीवन नष्ट कर रहे हैं, आग में भस्म होने के लिए तैयार हैं. बाइबल क्या कहती है, प्यार करो मतलब उन्हें भी तुम आग में जलने से बचा लो. क्या हम ऐसे लोगों की परवाह करते हैं या हम सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए उल्टा और उनसे दूर भागते हैं? यीशु मसीह ने पापियों के साथ खाना खाया और यीशु मसीह के ऊपर दोष लगा कि देखो इसको, ये अपने आप को गुरु कहता है, कैसे पापियों के घरों में जाके खाना खाता है. वो पापियों को बचाने आया. क्या आप पापियों को बचाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ करते हैं? चर्च के अंदर भी कभी कभी पाप होते हैं तो हम तुरंत उनके ऊपर हम लानत लगाते हैं, उन्हें हम दोष लगाते हैं उनके ऊपर कि ये ऐसा ही है, हमेशा ऐसे करता है, ये चुगली करता है, ये इज्जत नहीं करता, ये ठीक से बात नहीं करता, ये बहन ऐसी है, ये भाई ऐसा है. अगर आपको अच्छे से पता है अगला भाई पाप कर रहा है, क्या आप पाप करने वाले को प्रेम कर रहे हो? क्या आप उसे पाप से निकालने के लिए प्रभु से रात को 11 बजे जब सब सो जाते हैं, क्या आप अपने घुटनों पे होकर या अपने बिस्तर में लेटकर, क्या आप सच्चे मन के साथ कलीसिया में भटके हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हो? कंप्लेन तो करते हैं, लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन क्या आप उनके लिए प्रार्थना करते हो? यह जरूरी है. यह है सच्चा प्यार कि जिनका विश्वास कमजोर है उनको ऊपर उठाओ, उन्हें दया दिखाओ. कितनी बारी आप अपनी गवाही जाके दूसरों को बताते हैं? जो जो गवाहियां आपके जीवन में हैं, जो लोग शक कर रहे हैं, जिनका विश्वास कमजोर है, क्या आपने कष्ट उठाया है उनके घर जाने के लिए या उनके साथ कहीं मिलने के लिए और उनको अपनी गवाही बताने के लिए, परमेश्वर ने इस प्रकार मेरे जीवन में काम किया, मेरा भाई मेरी बहन, परमेश्वर तेरे भी जीवन में काम करेगा? क्या हम दूसरों के लिए, दूसरों का विश्वास बढ़ाने के लिए क्या अपना मुंह खोलते हैं? क्या हम कष्ट उठाते हैं? क्या उनसे हम संपर्क बनाते हैं? मेरे भाइयों बहनों, इस बात को ना भूलो, परमेश्वर ने इस कलीसिया में हम सबको एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है. परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है एक दूसरे को हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना है, ऊंचा उठाना है. और जो लोग आपको दुख पहुंचाते हैं चर्च के अंदर, जो लोग चर्च के अंदर आपको हर्ट करते हैं, उन लोगों को, जो लोग कलीसिया में जो लोग पाप कर रहे हैं, उनसे नफरत ना करो. प्रभु ने भी पापियों से प्यार किया. आप भी पापियों पर दया दिखाओ, उनके लिए प्रार्थना करो. हालेलुया. और जैसे आत्मा आपको अगुवाई करता है, पापियों को आग से क्या करना है, निकालना है. लेकिन बस वो यही कहता है कि तुम ध्यान से करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम आग में अपना हाथ डालो, मतलब तुम पाप में अपना हाथ डालो, उस भाई को बचाने के लिए तुम उल्टा खुद ही पाप में ना गिर जाना. ये तक लिखा है कि पापी लोग जो कपड़ा भी पहनते हैं उससे भी अपने आप को बचा के रखना. इतना ड्रामेटिकली क्यों कहता है यहूदा कि तुम पापियों के कपड़ों को भी हाथ मत लगाना? अरे कपड़ों से क्या हो जाएगा? कहने का मतलब, पाप घृणा करने वाली चीज है, लेकिन पापी प्यार करने वाला व्यक्ति है. हमें पापी से प्यार करना है, लेकिन जो पाप वो कर रहा है उसके साथ क्या करना है, नफरत करनी है. खत्म करते हैं. चौथी बात वो कहता है, सबसे पहली बात वो कहता है कि संसार बुरा है. मेरे पीछे बोलो, संसार बुरा है. सारे बोलो, संसार बुरा है. कलीसिया अच्छी नहीं है. वैसे तो कलीसिया अच्छी अच्छी नहीं है कलीसिया, पर कलीसिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी कलीसिया को होना चाहिए. पर फिर भी तुम क्या करो, तुम उन्नति करते रहो, तुम प्रार्थना करते रहो, तुम प्यार करते रहो, और चौथा, तुम भरोसा करते रहो. परमेश्वर के योजनाओं पर, परमेश्वर के प्लान्स पर तुम भरोसा करते रहो. खत्म करते हैं. 24 वचन में क्या कहता है, टू हिम हु इज एबल टू कीप यू फ्रॉम स्टम्बलिंग, वो जो तुम्हें भटक के गिर जाने से बचा सकता है. हालेलुया. परमेश्वर है जो हमें बचा सकता है. हिंदी में पढ़ें, अब जो ठोकर खाने से तुम्हारी रक्षा कर सकता है. ठोकर खाने से, कितने लोग यहाँ पे ठोकर खाते हैं और पाप करते हैं, बताइए? कितने लोग यहाँ पे ठोकर खा के पाप कर देते हैं? हम सबसे गलतियां होती हैं. परमेश्वर इस लायक है, ठोकर
खाकर जहां पे तू गिर गया वहां से तुझे उठाने की ताकत परमेश्वर रखता है। हालेलुया। वो जो तुझे ठोकर खाने से तुम्हारी रक्षा कर सकता है, परमेश्वर तुम्हारी रक्षा कर सकता है और अपनी महिमा की उपस्थिति में तुम्हें अपनी महिमा की मतलब उसके दरबार में जहां महिमा है। हालेलुया। मतलब तुमने ठोकर खा ली, तुम्हें ठोकर खा के तुम गिर गए, वो परमेश्वर जो तुम्हारी गिरी हुई अवस्था से तुम्हें उठा सकता है और उठा करके क्या करेगा, अपनी महिमा से भरे हुए स्थान में तुम्हें पहुंचा सकता है। हालेलुया। कितनी सुंदर बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी आशा की बात है कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे अंदर कमजोरियां हैं, मेरे अंदर पाप हैं, मेरे अंदर भी ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं करना चाहता लेकिन जो मैं बार बार कर देता हूं, लेकिन हर बार जब मुझसे पाप होता है मैं परमेश्वर से दूर नहीं भागता, मैं परमेश्वर के क्रूस के नीचे आ जाता हूं और कहता हूं परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझे शुद्ध कर, अपने बेटे यीशु के लहू से धो के मुझे पाक साफ कर और तेरे आत्मा से भर और एक नई शुरुआत मुझे दे दे, क्योंकि परमेश्वर है जो ठोकर खाने से हमें बचा सकता है और बचाएगा, यह उसका वादा है। परमेश्वर इस संसार में आपके जीवन के अंदर सबसे बड़ा काम कौन सा कर रहा है, आपको अच्छी नौकरी दिलाना, आपके आपके बहुत बहुत सारे आपको अमीर बनाना, परमेश्वर क्या इस संसार में सबसे बड़ा काम आपके जीवन में यही कर रहा है? नहीं। सबसे बड़ा काम जो परमेश्वर आपके अंदर कर रहा है वो क्या कर रहा है, स्वर्ग के लिए आपकी आत्मा को तैयार कर रहा है। हालेलुया। हाँ जी, वो जो तुम्हें अपनी महिमा की उपस्थिति में तुम्हें निर्दोष और आनंदित करके खड़ा कर, कैन यू बिलीव इट, तुम्हें निर्दोष प्रस्तुत करेगा अपने आप को परमेश्वर। हालेलुया। आप भी अपने आप पे दोष लगाते हैं, लोग भी आपके ऊपर दोष लगाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी बुलाहट और अपने युद्ध में यदि आप सच्चे हैं, परमेश्वर आपको निर्दोष बना करके स्वर्ग में पहुंचाएगा और आपको आनंद से भरेगा। सुबह मैंने ये बात को नहीं कहा लेकिन मैं आप शाम को ये बात कहना चाहता हूं, लिखा है निर्दोष बनाकर आनंद से भरेगा। मतलब जब तक हम अपने जीवन में पाप को नहीं त्यागेंगे, जब तक हम अपने जीवन में पवित्रीकरण के लिए अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में आनंद नहीं होगा। जॉय कम्स इन आवर लाइफ व्हेन वी गिव आवर सेल्फ फॉर सैंक्टिफिकेशन। हम जब अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर देते हैं, परमेश्वर तू मुझे पवित्र बना, तो उस प्रोसेस में जो आनंद प्रभु हमें देता है वो आसमानी आनंद होता है। हालेलुया। संसारिक बातों से तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा। पाप से बचने के लिए हर संभव प्रयास जब करोगे तो उस क्रिया में परमेश्वर तुम्हें आनंद से भरेगा। हालेलुया। देयर इज जॉय व्हेन वी सरेंडर अवर सेल्फ फॉर सैंक्टिफिकेशन, पवित्र होने के लिए जब हम अपने आप को समर्पण कर देते हैं, उस पवित्रीकरण में जो आनंद हमको मिलता है वो परमेश्वर की ओर से आता है। इसलिए मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं भाइयों बहनों, कि संसार बुराइयों से भरा है, कलीसिया के अंदर भी बुरी बातें हैं। आज मैं आप सबको अपनी ओर से मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ, आप सब लोगों से, आप सब लोगों के सेवा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे ठहराया है, मुझे बुलाया है, लेकिन शायद मैंने आप में से कई लोगों को दुख पहुंचाया है और आपकी उस प्रकार मैं सेवा नहीं कर पाया जिस प्रकार मुझे करनी चाहिए थी, मैं कर भी सकता था, लेकिन आज मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। पर मैं यही बोलना चाहता हूं कि मैं आपकी सेवा के लिए हूं और आप भी इस कलीसिया में एक दूसरे की सेवा के लिए हैं। हालेलुया। लेकिन कलीसिया में बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं जब हमें बातों का बुरा लगता है, दुख लग जाता है, लेकिन किसी भी वजह से आप कलीसिया से दूर ना जाएं, कलीसिया को छोड़ के ना जाएं। अगर प्रभु आपको मिलेगा, प्रभु आपको कलीसिया में मिलेगा। प्रभु ने अपनी कलीसिया के लिए अपनी जान दी है। आज प्रभु अपनी पहचान, अपनी छवि, अपना ज्ञान प्रभु किसको दे रहा है, कलीसिया को दे रहा है। संसार में जो वो करना चाहता है इफिसियों 3 के मुताबिक, जो मैं आपको बहुत बार पढ़ के सिखा चुका हूं, परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर ने जिन चीजों को पा लिया अपने बेटे यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा, जो जीत परमेश्वर ने हासिल कर ली, हमने क्या देखा था, कलीसिया के द्वारा आसमानी प्रधानताओं और शक्तियों को परमेश्वर अपनी महिमा को प्रदर्शित करना चाहता है। किसके द्वारा, कलीसिया के द्वारा। इसलिए कलीसिया बहुत खूबसूरत चीज है, कलीसिया प्रभु की दुल्हन है। कलीसिया से दूर ना भागें, पाप से दूर भागें,
और कलीसिया में जो लोग बुरे हैं, जो लोग आपको दुख पहुंचाते हैं, जो लोग आपको जिन्होंने आपको कष्ट भी दिया है, उन लोगों के लिए प्यार करें। हालेलुया, खत्म करते हैं इस बात को। संसार बुरा है, कलीसिया उतनी अच्छी नहीं है जितना होना चाहिए, पर तुम लोग क्या करो, मेरे पीछे बोलो, हम उन्नति करते रहेंगे, हम प्रार्थना करते रहेंगे, हम प्यार करते रहेंगे और हम भरोसा रखते रहेंगे। ओके, भरोसा किस बात पर? परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है, उस बात पर हम भरोसा करते रहेंगे। आइए हम सब समाप्त करें, सब खड़े हो जाएं।